इस सारी सिचुएशन में? नंबर वन, फयाजुल हसन चौहान, मेरी अपनी राय ये है, मेरा अपना व्यू ये है, ही शुड नॉट हैव गॉन. नंबर वन, जो वहाँ पर हुआ वो बहुत गलत हुआ. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सिचुएशन में कहाँ थी? देखिए सर, तीन चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, पांचवा आईजी पंजाब लगा दिया आप लोगों ने. आप लोगों की हैंड पिक टीम लगी. कमिश्नर लाहौर नहीं था, डिप्टी कमिश्नर लाहौर नहीं था, सीसीपीओ लाहौर नहीं था. डीआईजी ऑपरेशंस के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, खुद हम लोग चेक कर सकते हैं किस बंदे को हमने डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर लगा दिया हुआ है. लेकिन मुझे एक चीज बताएं, क्यों नहीं ये बाबू लोग थे? क्यों ऐसी सिचुएशन आई? क्यों नहीं इनको अकाउंटेबल किया जा रहा? देखें, इस पे हमारी तकरीबन हर रोज कैबिनेट कमेटी ऑन लैंड ऑर्डर हमारी मीटिंग्स चल रही हैं. कल वजीर आला साहब ने बड़ा क्लियरली इस चीज़ की डायरेक्शंस दी हैं. हम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू सेटल डाउन दिस इशू. हम जो लोग जिन्होंने ये बुरा काम किया, हम उनको पहले कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहते हैं. ब्लेम गेम के बजाय हम चाहते हैं कि चूँकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, हम इंशाल्लाह जो पुलिस की इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसके अंदर अगर लोगों ने रिएक्ट नहीं किया. अब बदकिस्मती से मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँ. जी प्लीज़. पुलिस ने जिसके भी कहने पे रिएक्ट किया मॉडल टाउन में, उसका क्या इंजाम क्या हुआ? फिर साहिवाल में पुलिस ने प्रोएक्टिव काम करने की कोशिश की, उसका मैं समझता हूँ, ये मेरी बिल्कुल ज़ाती फीलिंग है कि वो एक बड़ी सी एक स्टेट ऑफ फेयर, और ख़ास तौर पर ये जो हमारे वकला हजरात हैं, इनको तो पुलिस किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं होती थी, बिकॉज हर चीज़ ने जाना था अदालतों में, वहाँ पे जाके तो फिर माजद के साथ पुलिस वालों के साथ ही बुरा सलूक होता है. बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि चूंकि एक तो वो थोड़ा इग्नोरेंस में मारे गए, उनको ये श्योर था कि हमारा आपस में हो चुका है पैचअप, कल को ऐसा काम नहीं किया जाएगा. उसके बावजूद उन्होंने कोशिश ये की कि हम कोई हाई हैंडेडनेस इन वकला हजरात के ख़िलाफ़ ना करें. अगर यही तमाशा सड़क पे लगता, आप यकीन कीजिए आज सब ने कहना था जी पुलिस ने बड़ी ज़्यादती की. वो तो जा रहे थे जी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए. ये तो पुलिस फिर उस वक्त एक्शन में आई कि जब जो ये जो शरपसंद अनासर थे, मैं उनको वकला नहीं कहता, कोई सेंसिबल आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता, जब ये अंदर गए फिर पुलिस ने रिएक्ट किया. मैं तो आपने मैं फयाजुल हसन चौहान साहब की बात करते हैं. देखें, अगर हमारा एक भी बंदा वहाँ पर या मिनिस्टर ना जाता तो जैसे आज आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं था, वो भी नहीं था. मैं समझता हूँ हालांकि हमारा काम लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, मगर हमारा काम, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दैट इज़ द कैबिनेट ऑफ पंजाब. तो अगर उनमें से एक वज़ीर चले गए, इन्होंने तो किसी के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने आंसू गैस की शेलिंग इन्होंने रुकवाई और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे मज़ीद नुकसान. अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा बड़ा, वो मैं मानता हूँ कुछ हमारे बदकिस्मत मरीज थे जो बेचारे ट्रेजेडी होगी उनके साथ, मगर यकीन कीजिए कि अगर इससे कुछ ज़्यादा एक्शंस होते तो शायद